नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रा क्लास में। आज हम देखेंगे परसेंटेज का एक ऐसा पार्ट जिसका क्वेश्चन अब ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो है कि मूल्य में परिवर्तन। मूल्य में परिवर्तन का मतलब कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो वो वस्तु हमें उतने ही पैसों में कम मिलती है, और अगर कम हो जाता है मूल्य तो वस्तु क्या होती है, हमें ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही अच्छे पैटर्न से आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, और पूछा भी जा रहा है SSC में, तो बहुत पूछा जा रहा है ये, और रेलवे और SSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। देखिए क्वेश्चन है, अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर, अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो हमें वो चीज़ उतने ही पैसों में क्या होगी, कम मिलेगी, 4 अंडे कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडे का आप बताइए, अगर ये पूछता कि एक अंडे का मूल्य बताइए, वो भी आप निकाल सकते हो। प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों का मूल्य बताइए, ये भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रकार के परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि परसेंटेज क्या दिया है। ठीक है, परसेंटेज क्या दिया है, तो परसेंटेज केवल एक दिया होता है इसमें, जो कि कितना दिया है, 50%। ठीक है, तो देखिए हमें जो परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है, 50%। ठीक है, और आप सभी जानते हो 50% का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो हम कैसे करते हैं, 50/100, 50 से कम 50, 50 × 100 कितना आता है, 1/2 आता है। तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, 1/2 हो गया ये हमारा। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे परसेंटेज में क्या परिवर्तन हो रहा है। परसेंटेज में हो रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में आपको क्या करना है, दो, इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया टोटल, 3, और ऊपर 1 का 1। आगे बात समझ में, अगर ये कमी की बात करता तो हम दोनों का अंतर कितना है, 1 देख लेते। कमी कर रहा है तो माइनस करेंगे, और वृद्धि कर रहा है तो प्लस करेंगे, आप जानते हो। ठीक है, तो वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, 1/3। अब 1/3 में फर्क क्या पड़ रहा है कि 4 अंडे क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे थे। ठीक है, तो इससे प्रारंभिक मूल्य कितने, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 12, मतलब 12 अंडे टोटल हो गए थे हमारे उस समय। ठीक है, और उनके लिए जो पैसा था वो कितना था, 24 रुपये। यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल 12 अंडे हो जाएंगे, हमें अंडे टोटल पता चल जाएंगे कि कितने होंगे, क्योंकि 4 कम मिल रहे थे वृद्धि होने की वजह से, टोटल अंडे कितने आ गए, 12, और 12 अंडों का मूल्य कितना था, 24 रुपये था। तो एक अंडे का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/12, 12 × 24, तो एक अंडे का मूल्य कितना आ गया, 2 रुपये एक अंडे का मूल्य आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अगर वो पूछता कि प्रारंभिक मूल्य क्या था उसका, तो कितना था, 2, आपका मूल्य कितना है एक अंडे का, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो एक अंडे का मूल्य जब 2 रुपये है तो एक दर्जन का मतलब 12, तो 12 अंडों का मूल्य कितना होगा, 24 रुपये, कितना होगा दोस्तों, 24 रुपये, ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोबारा थोड़ा सा समझते हैं इसको, कि आपका जो फ्रैक्शन दिया है वो आपको ऐड करना है, वृद्धि हो रही है, और जितनी कम वस्तु मिल रही है या कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है उसमें उसका मल्टीप्लाई इक्वल रख के करना। ठीक है, उसके बाद मूल्य में डिवाइड देना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, चाय के मूल्य में कितनी, 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किग्रा अधिक चाय खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किग्रा मूल्य बताइए, मतलब 1 किग्रा चाय कितने रुपए की थी वो आपको बतानी है। ठीक है, कम हुआ मूल्य कितना है, अब कम होने के बाद कितना है, अगर आप निकाल लेते हो कि चाय का मूल्य कितना था पहले और कम होने के बाद, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया परसेंटेज देखना, तो परसेंटेज जो इसमें दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है आपका, 10%। ठीक है, और आप जानते हो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो उसमें कर रहा था वृद्धि तो हमने ऐड किया था, इसमें क्या कर रहा है, कमी,
तो 10 में से एक, 10 और एक में कितने का अंतर है, 9 का, 9 नीचे आ जाएगा आपका, एक का एक ऊपर रहेगा, ठीक है। बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, कितनी की ग्रा चीनी अधिक मिल रही है, 25 की ग्रा, तो कितनी हो जाएगी 25 की ग्रा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 225, कितनी आ जाएगी 225, मतलब टोटल जो चीनी थी वो कितनी थी पहले, 225 की ग्रा थी, ठीक है। अब 225 की ग्रा चीनी थी तो वो कितने रुपए में मिल रही थी, 22,500 में, कितने में मिल रही थी, 22,500 में। वही मेथड है, मेथड कोई अलग नहीं है। तो एक की ग्रा चीनी का जब मूल्य निकालेंगे तो 22,500 बट्टे हम करेंगे 225, 225 से 225 क्रॉस हो जाएगा, तो एक की ग्रा चीनी का जो मूल्य था पहले वो कितना था, 100 रुपये। मतलब एक की ग्रा चीनी जो मिल रही थी वो हमें मिल रही थी 100 रुपये में, लेकिन अब आपसे कम हुआ मूल्य पूछा है, तो कम कितना हो रहा था, 10%। तो इसका 10% अगर मैं कम कर दूं तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 90%। 90 बट्टे कितना हो जाएगा, 100, दो जीरो से दो जीरो करेंगे, ये आ जाएगा आपका 90 रुपये आंसर। कम होने के बाद एक की ग्रा चीनी का मूल्य कितना हो गया, 90, या फिर आपका 100 का 10% निकालेंगे, 10 इसमें से माइनस करते हैं तब भी आपका क्या आएगा, 90 आएगा। अब एक क्वेश्चन चीनी का एक ऐसा है जिसमें 500 ग्राम अधिक चीनी मिलती है, वो क्वेश्चन और आपके लिए मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट आज का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है और कई एग्जाम में पूछा भी है। चीनी के अभाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम, इसमें 500 बस चीज़ें नहीं दी हैं कि कितनी है, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था, तो हमेशा इस पैटर्न से प्रारंभिक भाव ही निकलता है। तो चीनी के भाव में 20%, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, परसेंटेज, क्या देखना है, परसेंटेज, परसेंटेज कितना है, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5, मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 20/100, तो 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब 1/5 आने के बाद देखिए वो कह रहा है कि कमी हो गई है, कितनी कमी हो गई, 20%, तो मैंने आपको बताया कमी हो रही तो आपको क्या करना है, माइनस, तो 5 में से एक गया तो 4, दोनों का अंतर कितना है, 4 ऊपर 1 का 1। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो देखिए की ग्राम में मूल्य पूछा है, किलोग्राम में, और ये दे रखा है ग्राम में, तो हमारा 500 ग्राम दे रखा है, और जब हम इसको की ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 500 × 500 और 500 × 1000, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 1/2 आपका क्या आ गया, चीनी आ गई, मतलब आधा किलो चीनी होगी, और आधा आप जानते हो 1/2 ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आधा कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। 2 से 2 ये क्रॉस होगा, 4 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा आपका 2 के बराबर, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 की ग्रा पहले चीनी थी, ठीक है, 2 की ग्रा क्या थी, चीनी थी। तो अब हमसे पूछा 1 की ग्रा का मूल्य निकालेंगे, तो इस 2 का भाग किस में देंगे, 36 में, तो 1 की ग्रा चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा, 36/2, 2 की ग्रा चीनी कितने में आ रही थी, 36 रुपये में, तो 1 की ग्रा कितने में आएगी, 18 रुपये में, ये आ गया उसका प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो आपको जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो तीनों ही SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और किरण की जो बुक है मैथ वाली, उसमें से टाइप नंबर 10 में से ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, और क्वेश्चन को और प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी पैटर्न से सभी क्वेश्चन को इस प्रकार से मूल्य परिवर्तन में आप कर सकते हैं। तो आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।